हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप सबके टर्म वन के एग्ज़ाम फिनिश हो गए हैं। आई होप सबका अच्छा गया होगा। अगर किसी का टर्म वन का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो उससे ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग के पास पूरा टर्म टू बचा है। हम लोग को पूरा टर्म टू में एफर्ट लगाना है ताकि हमारा टर्म वन कवर हो जाए। और जिसका अच्छा गया उसको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसका अच्छा नहीं गया उसे हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग के पास पूरा टर्म टू बचा है, वी विल बाउंस बैक। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग वही टर्म टू की पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं। टर्म वन बीते हुए कुछ दिन हो गए क्लास टेंथ का, और हम लोग को एक सफिशिएंट गैप मिल गया है बीच में। ये एक अच्छा ब्रेक था सबके लिए, सबने इसमें खूब आराम किया होगा। लेकिन अब दोबारा सबको स्टडी मोड में आना पड़ेगा। तो आज हम लोग वही एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग टर्म टू कैसे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट्स तैयार किए हैं, ये पॉइंट्स सबको फॉलो करने होंगे। उनका टर्म टू, ये पॉइंट्स फॉलो करने बाद तो उनका टर्म टू अच्छा जाएगा ही। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस जान लेना है, उसको एक पेज पे लिख लेना है अपना सिलेबस। अब ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप बार बार किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे या तो जाएंगे, नहीं तो आप कहीं यूट्यूब वीडियो देखेंगे कि क्या है सिलेबस। लेकिन अगर आप एक जगह लिख लेंगे तो आपको बार बार कहीं ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास जो कॉपी है उसमें वो लिखा रहेगा, तो आपका यहाँ पर टाइम बचेगा। इसलिए सबसे पहले आपको अपना सिलेबस लिखना है, उसको पहले पूरा अच्छे से जान के उसको पूरा एनालिसिस करना है। उसके बाद उसको एक कॉपी में राइट करना है एक पेज पे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारा टर्म टू प्रोबेबली मार्च में होगा, ऐसा CBSE से डेट आई है। अभी डेट तो आई नहीं, लेकिन ऐसा CBSE ने अपने गाइडलाइन में कहा था कि मार्च या अप्रैल में टर्म टू होगा। लेकिन अगर मेरे लिए देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली फॉर मी टर्म टू आपका फरवरी या अप्रैल में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो फिर मार्च के मंथ में उत्तर प्रदेश या कई स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं, और CBSE ऐसा तो है नहीं कि अगर आपका उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम बाद में ले ले या फिर दिल्ली का एग्ज़ाम पहले ले ले, उसमें होंगे तो सब एग्ज़ाम साथ में होंगे पूरे कंट्री के। तो इसलिए मार्च में तो होना पॉसिबल नहीं है, या तो फरवरी में होगा या तो अप्रैल में होगा, ठीक है ना। तो आपको अपनी फाइनल डे के लेके चलनी है 31 जनवरी 2022, क्योंकि हो सकता है फरवरी में हो जाए, अगर नहीं हुआ तो अप्रैल में होगा। लेकिन आपका फरवरी मंथ पूरा पूरा प्रैक्टिकल और असाइनमेंट्स और कॉपी इन सब में जाता है, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। तो आपको अपने फाइनल डेट लेके चलनी है 31 जनवरी 2022, यहाँ तक आपको अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद है आपको डोंट मेक टाइम टेबल्स। यहाँ पे बहुत लोग ध्यान नहीं देंगे, उनको लगेगा टाइम टेबल नहीं बनाने, यहाँ लिखा टाइम टेबल्स, यानी आपको एक टाइम टेबल बनाना है बस। अब आप हर दिन रोज नया टाइम टेबल बना रहे हैं तो वो नहीं सही है, एक टाइम टेबल बनाइए उसको फॉलो करिए, वो आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप ज़्यादा टाइम टेबल बनाएंगे तो फिर आप के लिए कोई कंसिस्टेंसी नहीं रह जाएगी। तो ठीक है ना, आप एक टाइम टेबल बनाइए और उसको रोज़ फॉलो करिए, और अपना टाइम टेबल इस हिसाब से बनाइए, क्योंकि अब आने वाले फेस्टिवल सीजन भी है, जैसे क्रिसमस है, फिर न्यू ईयर है, फिर मकर संक्रांति है। तो फिर हम लोग को इस हिसाब से टाइम टेबल बनाइए कि उन सब डे पर भी आप उस टाइम तो एटलीस्ट पढ़ ही लें, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो दिसंबर के 10 दिन हम लोग के पास अभी तो है, मतलब 10 से ज़्यादा दिन, 14-15 दिन, लेकिन फिर भी हम 10 दिन लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, 11 दिन लेके चल रहे हैं, ओके 31 का महीना है। तो दिसंबर के जो 11 दिन है ये एक गोल्डन टाइम है हम लोग के लिए। इसमें आपको क्या करना है कि आपके साइंस, मैथ्स, SST और लैंग्वेज सब्जेक्ट के जितने आपको छोटे चैप्टर लग रहे हैं, जैसे कि साइंस हो गया आपका आवर इन्वायरमेंट, कार्बन एंड कंपाउंड अच्छा चैप्टर था, लेकिन इसमें इतने सारे टॉपिक्स आपके डिलीट हो गए कि अभी एक छोटा चैप्टर बन गया है। तो आपको ये 2 चैप्टर तो साइंस में आपको पढ़ ही लेना है, ठीक है ना। मैथ्स में आपको हो गया सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन, ये दोनों थोड़ा इजी चैप्टर है, ये दोनों भी आप कवर कर सकते हैं। और SST में आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी मोस्टली टफ ही होती है, आसान होती है आपके सिविक्स और इकोनॉमिक्स। तो सिविक्स और इकोनॉमिक्स आपके पास 4 चैप्टर है, आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। आप लैंग्वेज अपना खुद से देख लीजिएगा लैंग्वेज सब्जेक्ट का, तो आपके पास अगर हम देखें तो यहाँ पर मैथ साइंस SST मिला के 8 चैप्टर्स हो, आपके पास 11 डेज में 8 चैप्टर मैथ साइंस SST में। आप चाहें तो आप अगर एक दिन में मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा दे रहे हैं तब भी आपका बड़े आराम से 8 चैप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमने ये देख लिया कि हमें पढ़ना क्या है, लिखना कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी। तो इन चैप्टर पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो कोई भी एक बुक लीजिए, चाहे आप NCERT लीजिए, चाहे कोई रेफरेंस बुक लीजिए, ठीक है ना। उस बुक को एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़िए, एक ही चैप्टर आपको 2 बार पढ़ना है, ठीक है ना। एक बार आप पढ़ोगे तो उसमें से आपको खाली 15-20% समझ में आएगा, और दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें से लगभग 60-70% कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बुक की रीडिंग करना बहुत ज़रूरी टर्म टू में। जैसे टर्म वन में था, कई बच्चे
एग्ज़ाम के एक दिन पहले वीडियो लेक्चर देखे चले जाते थे तब उनका एमसीक्यू पार हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपको खुद से बुक रीड करेंगे तो आपको एक लिखने की भी आदत समझ में आएगी, जैसे बुक में लाइन बाय लाइन लिखा है। अगर आपने कुछ कुछ वोकैब भी आपकी थोड़ी अच्छी होगी, उससे आप बुक की लाइन लिखना सीख जाएंगे थोड़ी बहुत। आपको बुक की कुछ लाइन तो याद ही हो जाएगी, तो उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एग्ज़ाम में। और आपको टोटली डिपेंड नहीं होना ऑनलाइन मीडिया में, जैसे वही कि कुछ बच्चे केवल वीडियो लेक्चर्स पर डिपेंड हो जाते हैं, तो उनका एमसीक्यू तो पार हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बट अब यहाँ पर आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी रहेगी, क्योंकि अब आपके पास पूरा सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए तो आप जब तक बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं ऑनलाइन पढ़ना, तो फिर आप एक बार तो देख ही सकते हैं वीडियो लेक्चर। आपको अगर कोई चैप्टर शुरू करना है, पहले एक बार उसकी वीडियो लेक्चर देख लीजिए, आपको थोड़ा उसका बैकग्राउंड पता चल जाएगा वीडियो का और चैप्टर का। उसके बाद अगर आप बुक पढ़ लेंगे, तो आपका जो पहली बार में 15-20% का होना था वो आपका 40% हो जाएगा। आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपका वो 80% लगभग कवर हो जाएगा। और आप वही सेकंड रीडिंग में अपने उसके साथ साथ नोट्स भी बना दीजिएगा, फर्स्ट रीडिंग में मत बनाइए, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में आपका 40% कवर हुआ है। सेकंड रीडिंग जब आप करेंगे तो आपका 80% कवर होगा, तो आप चाहें तो उसके साथ एक नोट्स भी बना सकते हैं अपना। और उसके बाद जब आप रीडिंग कर लें चैप्टर की, तो कोई भी बुक होगी उसके पीछे बैक एक्सरसाइज तो ज़रूर होगी। आपको उसके मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और कैसे करने हैं, आपको एक नोटबुक बनानी है, उसमें आपको हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर करते जाने हैं लाइन से। ऊपर चैप्टर नाम डालिएगा, उसके बाद क्वेश्चन भले नोट ना करिएगा, क्वेश्चन नंबर डालिएगा, आंसर नंबर, उसके बाद सब आंसर करने हैं। उससे ये होगा, जब आप रिवीजन करेंगे वो क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे आपको नहीं आया, तो आपके पास एक पूरी कॉपी होगी, उसमें आप जाएंगे उस चैप्टर पे जाएंगे, उस क्वेश्चन पे जाएंगे, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर दोबारा आ जाएगा। तो आप ज़्यादा बुक नहीं, कॉपी नहीं लेनी, खाली एक कॉपी लीजिएगा, उसी में आप सब चैप्टर कर दीजिएगा, थोड़ी मोटी कॉपी रहे इसलिए। अगर आपको फिर भी ऑनलाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। आज से मैं 11 दिन तक ये जो 8 चैप्टर मैंने बताया, आवर एनवायरनमेंट, कार्बन एंड कंपाउंड, सर्कल कंस्ट्रक्शंस और सिविक्स और इकोनॉमिक्स के चैप्टर, ये आपको मेरी वीडियोस पे आज से मिल जाएंगे। और ये दिसंबर के एंड तक मैं इन सब की वीडियोस डाल दूँगा। इसके बाद हम लोग का अगला पॉइंट है मेंटेन कंसिस्टेंसी। अब आप जैसे मान लीजिए आज आपने पढ़ा 1 घंटा पढ़ा, ठीक है, आप ऐसे 1-1 घंटे पढ़ते गए, लेकिन जब फेस्टिवल सीज़न आया उस दिन आपने कुछ नहीं पढ़ा, फेस्टिवल डे आया कुछ नहीं पढ़ा, तो इससे आपकी कंसिस्टेंसी एक हट जाती है। भले आप हर दिन 1/2 घंटा पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, 1.5 घंटा पढ़ें, एटलीस्ट 1.5 घंटा तो पढ़ें, अब आपका ये स्टैंडर्ड हो गया, 1.5 घंटा पढ़ें हर दिन, लेकिन रोज़ पढ़ें। अभी हम लोग स्टार्ट करें तो हम लोग 1.5 घंटा पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग में। हाँ, तो आपको हर दिन 1.5 घंटा तो निकालना ही है। और इस समय आपका स्कूल भी रहेगा, कोचिंग में रहेगा, क्योंकि अब ये भी तो नया नया टर्म शुरू हुआ, तभी आपके स्कूल में पढ़ाई होगी, कोचिंग पढ़ाई होगी, उसके ऊपर से आपको 1.5 घंटा निकालना है सेल्फ स्टडी के लिए। ये नहीं कि उसमें आप इंक्लूड कर लीजिए, मतलब वहाँ जो पढ़ाया जाए वो तो अलग है, लेकिन जो आप पढ़ेंगे अलग चैप्टर वो अलग, तो आपको वो 1.5 घंटा निकालना ही। और आप एक बार कोशिश करिए कि जो स्कूल में या कोचिंग में पढ़ाया जाए आप उससे आगे चलें, तब आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। स्कूल में जब पढ़ाएगा, आपने कोई चैप्टर पढ़ा 1 टाइम रीड किया, उसके बाद आप स्कूल में गए उसका एक्सप्लेनेशन जाना, कोचिंग में आपको वही चैप्टर पढ़ाया गया, आपको कोचिंग में वहाँ से क्वेश्चंस मिल गए, आपने वो क्वेश्चंस किए, तो आपका वो चैप्टर लगभग 95% 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप रोज 1.5 घंटा भी पढ़ेंगे, तब भी आप स्कूल और कोचिंग से तो आगे ही रहेंगे। और उसके बाद अगर लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात की जाए, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, क्योंकि जैसा हमने टर्म 1 में देखा कि इंग्लिश का पेपर बहुत टफ आया था, उसमें पैसेज अनएक्सपेक्टेड पैसेज था, तो इसलिए आप लोग रोज़ कम से कम 1 पैसेज, और अब की बार तो वो है आपका राइटिंग वाला यानी सब्जेक्टिव पेपर है, तो आपको आर्टिकल्स, लेटर्स, इन सब की भी प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी होगी, ठीक है ना। और कुछ एक्सरसाइज भी करिएगा ग्रामर की, कम से कम रोज़ 10-10 एक्सरसाइज तो कर ही लीजिएगा ग्रामर की, इससे आपकी लैंग्वेज अगर आप आज ही से पढ़ेंगे तो आपका तब तक तो इंग्लिश एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा, तो आपके लिए कोई भी पैसा टफ नहीं रहेगा। तो फिर आप लोग आज ही अपने लैंग्वेज की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, सिर्फ इंग्लिश में नहीं, आप हिंदी में भी करिए, आपका संस्कृत है तो आप संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं, तो आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, स्टार्ट योर टर्म 2 इनिंग्स लाइक ODI एंड फिनिश इट लाइक T20, मतलब आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए। ODI से मतलब है, ODI में जैसे आपने क्रिकेट देखा हो, वनडे क्रिकेट में बहुत धीरे स्टार्ट होती है इनिंग, और T20 क्रिकेट के एकदम फाइनल ओवर अगर आप देखें तो एकदम तेज होती है, जल्दी जल्दी रन बनते हैं, तो आपको वैसे ही करना है। शुरुआत में आपको 1.5 घंटा रोज़ निकालना है, ठीक है ना।
लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है रोज़ 1.5 घंटा, और इसको जब आप लास्ट में पहुँचेंगे तो आपसे खुद ही ज़्यादा देर बैठे रहेगा। अभी आप 1.5 घंटा निकाल लें, उस समय आप 4 घंटा 5 घंटा बड़े आराम से निकाल लेंगे। और आपका अगर आप यही करेंगे आपका सिलेबस 31 जनवरी का 20 जनवरी तक कन्फर्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कन्फर्म होके, ये तो मेरी गारंटी है। ठीक है ना, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।